अगर आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट पसंद है तो आज हम वेजिटेबल आटे का चीला बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आटे के चीले के लिए एक बोल में हम डालेंगे आटा, उसी के साथ दही, ये रूम टेम्परेचर दही है, और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ कभी भी नहीं डालें। तो अब हम इसका एक अच्छा बैटर बनाएंगे। जो कंसिस्टेंसी होगी बैटर की वो रेगुलर होगी, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत थिन। तो आप देखें अब ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, येलो बेल पेपर यानी येलो शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, गाजर, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, एक बॉइल्ड और मैश्ड आलू, धनिया, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आप इस सबको अच्छे से मिलाएं। ये बहुत ही हेल्दी चीला बनता है, हमने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया, हम आटा यूज़ कर रहे हैं और इतनी सारी इसमें वेजिटेबल्स गई हैं। जो एक मैश्ड आलू हमने डाला है वो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर देगा इस चीले को। अगर आपको नहीं पसंद तो आप आलू स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर, ये बड़ा चटपटा सा टेस्ट देगा, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब आप इसमें डालें अजवाइन। आटे के जब भी आप पराठे बनाएं, चीले बनाएं, अजवाइन उसमें आप ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया वो टेस्ट देता है। तो अब आप देखें ये बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। मैं पलट के दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया इसमें टेक्सचर आया है। तो कभी अगर आपका आटा गूंदने का मन नहीं करे, पराठे नहीं बनाने हो, मेहमान घर पे आए हो या झटपट का ब्रेकफास्ट हो, तो ये आटे का चीला बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैं बहुत बनाती हूँ अपने घर पे। आप इसी तरह से सारे चीलों को बनाएं, आप देखें मैं टेक्सचर दिखाऊंगी कितना मुलायम और ये सॉफ्ट बना है। मैं इसको खाना पसंद करती हूँ दही के साथ, आप दही के साथ खाएं, बच्चों को चाहें तो आप केचप के साथ दें, वो बहुत खुश होके इसको खाएंगे, आप हरी चटनी के साथ खाएं।